नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर बन रहा है अब कौटिल्य एजुकेशन हब। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब हमारे यहाँ अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं आज दिनांक 1/4/2023 के दैनिक समाचार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी भर्ती का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। परिणाम आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर देखा जा सकता है। 27 व 28 मार्च को आयोजित साक्षात्कार में 476 पदों के सापेक्ष महज 62 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 414 यानी 87% पद अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली रह गए हैं। CHSL की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति मांगी है। चिकित्सा अधिकारी के 476 में से 414 पद खाली रह गए हैं। अनारक्षित श्रेणी के सिर्फ 62 पदों पर ही हो सका है चयन। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर समेत 21 राज्यों ने पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 6 साल तय कर दी है। ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पहली कक्षा में दाखिला 6 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले छात्रों को ही देंगे। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूलभूत चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। इसके तहत 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बीच सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष तक सीखने का मौका देना है। स्टेट और सीटेट पास युवाओं ने घेरा मुख्यमंत्री आवास। प्रदेश में शिक्षकों के 51,000 से अधिक खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शुक्रवार को युवाओं ने फिर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। मंत्री आवास का घेराव कर सीटेट और टेट पास युवाओं ने जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार और सुर्खियों में रहता हुआ। प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में एक अंक के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा तलब किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नौकरी के दरवाजे, इंटर्नशिप के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। DU की सेंट्रल प्लेसमेंट सेल अप्रैल में ऑफलाइन मोड में जॉब व इंटर्नशिप मेला आयोजित करने जा रहा है। यह शैक्षणिक सत्र 2022-23 का आखिरी प्लेसमेंट सेशन पूरा होगा। 6,000 छात्र अब तक करा चुके हैं सेशन में पंजीकरण। DU प्रशासन को उम्मीद है कि कंपनियां छात्रों को अच्छे ऑफर प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आगामी 30 अप्रैल को वन दरोगा की परीक्षा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन सूची तैयार कर ली गई है। लिखित परीक्षा के लिए चयनित सामान्य व OBC अभ्यर्थी को ₹200, अनुसूचित जाति व जनजाति को अभ्यर्थियों को ₹80 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आइए देखते हैं रोजगार से संबंधित कुछ समाचार। इंडियन आर्मी में 21 पदों पर भर्तियां जारी हुई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, MTS आदि के पद खाली हैं। आवेदन का माध्यम ऑफलाइन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। न्यूनतम सीमा 18 वर्ष है व अधिकतम सीमा वर्गानुसार 25, 28, 30, 35, 38, 40 निर्धारित की गई है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में 106 पदों पर मौके निकले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर मौके जारी हुए हैं। आवेदन शुल्क ₹500 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.cvs.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में 155 पदों पर भर्तियां जारी हुई हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर व रेडियोग्राफर व अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन शुल्क ₹885 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.becil.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट
लीड कंसल्टेंट आदि पदों पर मौके जारी हुए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक के पदों पर भर्तियां जारी हुई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।